अस्सलामुअलैकुम, श्रीहा मल्टी स्टार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? आज आपके साथ जो मैं रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ वो है कंसीलर, होममेड कंसीलर। तो चलें साथ साथ बातें भी होती रहेंगी और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए, ये है DLM वालों की फाउंडेशन है कलर चेंजिंग, ये वाइट कलर की होती है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में ये है तो आप अपनी किसी भी डार्क सी फाउंडेशन में इसको मिक्स करके तो उसका कलर जो है वो अपने हिसाब से लाइट और डार्क जो है वो कर सकते हैं। चलें अब इसको हम एक खाली कंटेनर में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये बाज़ार में बआसानी जो है मिल जाती है। अब हम इसको एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने जो है वाइट फाउंडेशन ये मैंने ये सारी मैंने इस पर निकाल ली है। अब हम इसमें जो है घर में कोई भी ऐसी चीज़ फाउंडेशन हो या कोई, ये देखिए ये मेरे से टूट गया था। हाँ, जो होता है फेस पाउडर जो था ये ट्रू कलर का है मेरे पास, ये टूट गया था तो मैंने इसको ज़ाया नहीं किया बल्कि मैंने इसको रख लिया कि ये घर में आराम से फिर किसी भी टाइम किसी भी चीज़ में यूज़ हो जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा, ये देखिए ये इसमें ये थोड़ा सा ये डालूँगी और जो है वो थोड़ा सा ये डालूँगी और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं को देखेंगे। और ये देखिए, ये बड़े अच्छा सा इसमें ये कलर आ जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको डार्क और लाइट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कि आप इसको कितना करना चाहते हैं। जो होममेड कंसीलर है ये बड़ा अच्छा हो जाता है। और इसमें अब हम थोड़ा सा इसके साथ साथ कंटेनर भी थोड़ा, इसको मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए ये मैंने वैसलीन का जो है लोशन है, ये वैसलीन का आप कोई सा भी लोशन ले सकते हैं ड्राई स्किन के लिए या कोई भी। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें जो है ये देखिए मिक्स थोड़ा सा ही किया मैंने, ये मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स करूँगी। इसमें ये होगा कि ये लगाने में भी बिल्कुल लोशन की तरह स्मूथ सा बनेगा और आप इसको बिल्कुल लोशन की तरह ही ये बन जाती है और इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, मैंने इसको बड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका बिल्कुल लाइट सा स्किन कलर है। अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये मेरे पास एक डर्माकूल की जो है फाउंडेशन है, इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, मेरी स्किन के हिसाब से इसका ज़्यादा डार्क कलर है। तो मैं इसको हमेशा ये वाइटनिंग जो कलर चेंजिंग वाली फाउंडेशन में उसके साथ मिक्स करके इसको लगाती हूँ ताकि मेरे फेस पे ये बिल्कुल सेम कलर दे। अगर आपके पास भी दो तीन कलर की फाउंडेशंस हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि पार्लर में भी इसको हमेशा मिक्स करके ही लगाते हैं, दो तीन कलर की जो फाउंडेशंस होती हैं उनको मिक्स करके वो देते हैं कि आप इसको लगाएँ और उससे फेस जो होती है वो एकदम से थोड़ा अच्छा ग्लो करती है। ये देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल A1 कलर हो जाएगा। ये देखिए, वो जो बहुत डार्क कलर था वो बिल्कुल स्किन हो गया। इसमें अगर आप इसको लाइट करना चाहते हैं तो यही वाइट फाउंडेशन जो है वो थोड़ी सी आप इसमें और मिक्स कर लें। डर्माकोल जो थी वो काफ़ी डार्क कलर की है मेरे पास। इसको अगर आप थोड़ा सा और अफेक्टेबल बनाना चाहते हैं तो मेरे पास ये पॉन्ड्स की भी पड़ी है फाउंडेशन। ज़ाहिर सी बात है, जब कहीं जाना होता तो आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन जो है वो लेके नहीं जा सकते, तो मैंने इसको इसी तरह यूज़ किया है कि तीन चार जितनी भी मेरे पास फाउंडेशन पड़ी हैं, कोई लाइट है डार्क है, तो मैं उनको इस तरह मिक्स करके थोड़े से लोशन के साथ इसको मैं रख लेती हूँ बैग में और कभी भी यूज़ करना हो तो वो आराम से आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा जो है वो इफ़ेक्ट छोड़ती है। अगर आप कहेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह यूज़ किए, तो अगर आपके घर में इतनी ज़्यादा नहीं है
तो फेस पाउडर जो है वो आप लोगों के घर में है, अक्सर बच्चे तोड़ भी देते हैं। जैसे मेरे पास भी अब दो कलर में टूटा हुआ वो फेस पाउडर पड़ा था, मैंने उसको इसीलिए संभाल के रखा कि आप उसको कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है और देखिए कितना खूबसूरत सा इसका जो है वो कलर आया है। अब मैं आपको ये यूज़ करके बताती हूँ। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये देखिए किस तरह है। हल्का सा मैंने लिया और ये देखिए ये मेरी स्किन है, देखिए इसको मैं हल्का सा करूँगी। और ये देखिए कितना फ़र्क है। अगर आप इसको थोड़ा सा शाइन वाला करना चाहते हैं तो ये मेरे पास शाइनर पड़ा है, तो आप इसमें थोड़ा सा बेशक शाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर हम इसमें शाइनर डालेंगे तो अलग से वो फिर शाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फेस वैसे ही ग्लो करने लग जाता है। तो ये देखिए फ़र्क बिल्कुल साफ़ है, ये देखिए स्किन बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल जो है वो क्लियर लग रही है। हालाँकि यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे नहीं लगाई और ये यहाँ पे लगाई है, तो वो साफ जो है वो पता चल जाता है कि आपने यहाँ पे कुछ लगाया। ये क्रीम तैयार है, अब हम इसको दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं, क्योंकि ये छोटी सी है ये डिबिया जो है, तो इसको दूसरी में डाल के ये मैंने इसमें हम सारी निकाल के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारा कंसीलर जो है वो इस कंटेनर में निकाल लिया है, तो आप इसको हैंडबैग में रखें और आप इसको यूज़ करें। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अच्छे से कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और अच्छी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।